Hey guys, Assalamualaikum. I hope आप सही बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर जो कि है नुपुर शर्मा से रिलेटेड और इसके टाइटल है आखिरकार नहीं बच सकी नुपुर शर्मा कोलकाता पुलिस के हत्थे छड़ी। तो देखते हैं क्या है इसमें, क्या बताया गया है, ये न्यूज़ रियल है कि फेक, पहले सुनते हैं। आप लोग भी लास्ट तक के सुनो, देखो उसके बाद फिर बातें करते गाइस आप लोगों से। तो चलिए शुरू करते हैं। The Life TV, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बाज हफीज हूँ। महाराष्ट्र की जो सरकार गिराने का कृत्य चल रहा है, कोशिशें चल रही हैं, लोग भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो महाराष्ट्र की सरकार को, बनी बनाई चुनी चुनाई सरकार को गिराने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में नुपुर शर्मा को बताया जा रहा है कि वो बहुत खुश हैं, वो बहुत ही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि नुपुर शर्मा के पीछे महाराष्ट्र की पुलिस जो थी वो दिल्ली में डेरा डाली हुई है। दिल्ली के अंदर 4-5 दिन ढूंढ के दोबारा चले गई थी वापस बम्बई, लेकिन फिर वापस वो जाने का ऐलान कर चुके थे कि हम दोबारा नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए जाएंगे। अब इस सब के बाद जब ये घटनाक्रम शुरू हुआ कि सरकार गिर सकती है, तो नुपुर शर्मा और कंगना रनावत की शायद खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा, और नुपुर शर्मा को लगा होगा कि अब मेरी गिरफ्तारी यहाँ भी नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश या दूसरे, या दिल्ली की पुलिस जो है जो भाजपा की सरकार के अंडर में आती है, वो तो मुझे गिरफ्तार वैसे भी नहीं कर रही है। लेकिन उनके साथ हो गया खेला। कैसा हो गया कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कई FIR पश्चिम बंगाल में भी दर्ज हैं। जैसे ही महाराष्ट्र की घटनाक्रम ऐसे शुरू हुए, वैसे ही कोलकाता की पुलिस ने उनको समन भेज दिया। हुसैन अहमद करके हैं, उन्होंने लिखा है ट्विटर पर, पश्चिम बंगाल पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को कोलकाता पुलिस ने 25 जून को तलब किया है। अब यहाँ सबसे बड़ा विषय यह है कि पश्चिम बंगाल वो राज्य है, वो इकलौता राज्य है जिसने सबसे पहले नुपुर शर्मा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। और कैसे भाजपा के लोग निकल गए वहाँ से, वॉकआउट कर गए, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा मैं। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है समझना कि अब क्या हुआ है आखिरकार वहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर। हिंदुस्तान ने लिखा है, अखबार ने, पैगंबर टिप्पणी मामला, कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को दोबारा भेजा समन, 25 जून को बुलाया। कोलकाता पुलिस इससे पहले भी समन भेज चुकी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था नुपुर शर्मा ने, जहाँ तक जानकारी है कि कोलकाता की पुलिस को ये लिख के भेजा था, जवाब दिया था कि मैं कोलकाता आऊँगी तो मेरी जान को खतरा बन सकता है मेरी जान पे, इसलिए मुझे समय चाहिए। अब यहाँ पर आगे थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या है। नुपुर शर्मा को समन जारी जो किया उसको 25 जून को पेश होने को कहा, और ये दूसरी बार है कि शर्मा को कोलकाता पुलिस ने उनकी टिप्पणी के सिलसिले में समन जारी किया है। अधिकारी के अनुसार इस नए समन से पहले उत्तरी कोलकाता के एम्स्टर स्ट्रीट थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, क्योंकि एक शिकायत सिर्फ दर्ज नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल में 10 थानों में नुपुर शर्मा के खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं, FIR दर्ज हैं, और ये अरेस्ट वारंट पर अरेस्ट वारंट अगर निकलते जाएंगे तो नुपुर शर्मा के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतागण पश्चिम बंगाल की सरकार गिराने की कोशिशें करने लगेंगे? ये अपने आप में एक सवाल है जो नामुमकिन सा है। अब यहाँ पर जो वहाँ के पुलिस अधिकारी ने कहा है, उनका बयान भी छापा है हिंदुस्तान ने, उन्होंने कहा कि शर्मा की टिप्पणी से पश्चिम बंगाल में विभिन्न हिस्सों में हिंसा फैलने के बाद कोलकाता के 10 थानों में उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई थी। पहले उन्हें नारकेलडंगा थाने में तलब किया गया था, वो नहीं पहुंची और ये कहते हुए 4 हफ्ते का वक्त मांगा कि यदि वो अब कोलकाता आती हैं तो उन्हें डर है कि उन पर हमला हो सकता है। एक टीवी बहस के दौरान उन्होंने जिस तरह की घटना जो हुई थी उसके बाद हावड़ा, नादिया और मुर्शिदाबाद जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। अभी ये हिंसा के मामलों में जो हिंसा कर रहे थे उन पर भी FIR दर्ज हुई, और जो नुपुर शर्मा हिंसा के अंदर दूसरी पार्टी हैं जिनकी वजह से हो रही थी उन पर भी FIR 10 थानों में दर्ज हुई। 10 थानों में FIR अगर किसी पर दर्ज हो तो उसके लिए भाजपा कब तक जोर लगाएगी ये आने वाले समय के अंदर पता चलेगा। पर नुपुर शर्मा और उनके समर्थक ये सोच रहे थे कि महाराष्ट्र में जो एक राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है और एक हंगामा खड़ा हुआ है, इस बीच में जब सरकार गिरने के हालात बन रहे हैं तो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए जो बम्बई की पुलिस आ रही थी बार बार, अब वो शायद ढीली पड़ जाएगी। लेकिन ये नहीं सोचा था कि एक दूसरी ढील जो निकलेगी वो सीधे पश्चिम बंगाल से निकलेगी और 10-10 थानों से निकलेगी। नुपुर शर्मा के खिलाफ बंगाल विधानसभा के अंदर, मैंने आपको बताया, निंदा प्रस्ताव पारित हो गया, और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब निंदा प्रस्ताव पारित हो रहा था तो ममता बनर्जी जी के सामने जो शिवेंदु अधिकारी हैं, जो भाजपा के, जहाँ तक मेरी जानकारी है, विधायक दल के नेता हैं, तो उन्होंने पूरे बीजेपी के विधायकों के साथ सदन का वॉकआउट किया,
ये पहली बार समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने नुपुर शर्मा को निष्कासित कर दिया है, पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन जब नुपुर शर्मा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित होता है पश्चिम बंगाल की विधानसभा में, तो वहीं पर बीजेपी के विधायक जो हैं वॉकआउट करते हैं उसके विरोध में। तो ये बात क्लियर कर दीजिए ताकि खाड़ी के देशों में, अरब देशों में भी क्लियर हो जाए कि नुपुर शर्मा को निकाला है या नहीं निकाला, और अगर निकाल दिया है तो फिर भाजपा के विधायक जो हैं उसका समर्थन में क्यों वॉकआउट कर रहे हैं, ताकि जिससे उसके खिलाफ जो प्रस्ताव पारित होना था वो नहीं हो। जनसत्ता ने तो और सख्त लिखा है, पैगंबर पर बयान को लेकर नुपुर शर्मा पर शिकंजा, पश्चिम बंगाल पुलिस ने भेजा समन। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुश्किलें बढ़ाती जा रही हैं, मुश्किलें ऐसी बढ़ाती जा रही हैं कि एक लिमिट है जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि देश कानून से चलता है। अर्णब गोस्वामी की भी गिरफ्तारी हुई थी और नुपुर शर्मा भी अर्णब गोस्वामी से कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। संविधान सबसे बड़ी चीज़ है और संविधान के हिसाब से चलेगा देश। सिर्फ डिले कर सकती है भारतीय जनता पार्टी या उनकी सरकारें, लेकिन रोक नहीं सकती हैं। अब यहाँ पर हालात देखिए कि उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ जी ने साफ तौर पर पहले ही मना कर दिया है कि नुपुर शर्मा के समर्थन या विरोध में कोई बयान नहीं दिया जाए, हम लोग न्यूट्रल रहें। उनके ऊपर पार्टी फैसला कर चुकी है, बाहर निकाल चुकी है, अपना अपना काम करें, प्रभावित नहीं होने दें काम को, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा था मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया भी था। अब मुसीबतें अनभक्तों की बढ़ गई हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि योगी सरकार जो है अपने आप को डिस्टेंस में ला रही है, थोड़ा दूर कर रही है इस पूरी की पूरी विवाद से, नुपुर शर्मा वाले मामले से, जो अखबारों के अंदर छापा भी। तो अमर उजाला ने छापा कि एक अनभक्त के ऊपर बुकिंग हो गई उनकी, कैसे उनके रसीद कट गई, या लेमन लैंग्वेज में बोले कि प्याज कट गई, कि आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने असल में नुपुर शर्मा के समर्थन के अंदर थोड़ी कुछ विवादित पोस्ट डाल दी थी सोशल मीडिया पे, जिसके ऊपर योगी सरकार की पुलिस ने कार्रवाई कर दी। अमर उजाला ने लिखा, इटावा नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर मुकदमा, पुलिस ने की हिंदू सेवा समिति के प्रांतीय अध्यक्ष पर कार्रवाई। अन भक्तों को बड़ी तकलीफ हो रही है कि योगी आदित्यनाथ जी हम पर कार्रवाई कर रहे हैं, वो योगी जी जिनके लिए हमने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ मिटा दिया, अपने आप को इंसान नहीं समझा, और क्या हरकतें हमने करी कि हमारे घर वाले भी हमसे बात करना पसंद ना करें। लेकिन आज उन अनभक्तों की पीड़ा ये है कि उनके ऊपर गिरफ्तारियां उनकी हो रही हैं, कार्रवाई उन पर हो रही है। तो ऐसे ही नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी भी होगी। आप सोचिए, भले ही बम्बई, थाने, भिवंडी, जहाँ जहाँ महाराष्ट्र के अंदर FIR दर्ज हैं, वहाँ शायद थोड़ा इस वक्त हालात की वजह से नुपुर शर्मा को राहत मिली हुई है, और अगर वहाँ की सरकार कुछ हो जाता तो नुपुर शर्मा और कंगना रनावत तो आराम से आज़ाद घूम सकती हैं वहाँ पे। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये खेला हो जाएगा, इसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, नुपुर शर्मा जो थोड़ी देर के लिए खुश हो रही थी, सुकून से थी, उनकी कितनी मुश्किलें बढ़ गई और उनके पैरों के नीचे ज़मीन सरक गई होगी जब उनको पता चला होगा कि पश्चिम बंगाल के 10 थानों में हिंसा के आरोप के अंदर उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। पैगंबर साहब की टिप्पणी तो एक मसला है ही, लेकिन और धाराएं उससे बढ़ गई कि आपके बयान से यहाँ पर हिंसा हुई है, तो आप भी इसके अंदर जो आरोपी हैं वो मानी जाएंगी। सारे के सारे हालात के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अब शायद सोच रहे होंगे कि बहुत सोच समझ के बोलने का वक्त है। कानून का राज इस देश के अंदर एक हद तक बचाया जा सकता है, कोई पार्टी चाहे तो अपने सरकार में है तो कार्यकर्ता को, अपने जो विचारधारा को नफरत भरी आगे बढ़ा रहे हैं उनको, लेकिन कानून अपना काम करेगा और शिकंजा कसके ही होगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये था वीडियो, बहुत अच्छा बात बोला भाई ने, बहुत सही चीज बोला कि हमारा जो इंडिया देश है वो चलता है कानून से, संविधान से चलता है। तो सिंपल सा बात है कि भले अभी लेट हो रहा है लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा, ठीक है, जितने भी मतलब मुस्लिम रिलीजन के बारे में जैसा कि ये बोले ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ों में, ठीक है, तो समय देना पड़ेगा। बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए, ये समझा दिए, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गुस्ताखी उन्होंने किया है, ठीक है, तो जाने अनजाने में किया, क्या किया उनको आके तो बोलना चाहिए, वो कोर्ट में ही होगा जो भी होगा। तो देखते हैं कहाँ तक के जाते हैं, आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके वहाँ भी चेकआउट करना। और अगर आप इस वीडियो में न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू।